को स्पार्क एकेडमी, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं जहां पर हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रैक्टिस सेट 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। आज का ये जो सेशन है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सबसे आखिरी सेशन होने वाला है, इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड और सेशन बनाऊँ विच विल बी बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम सेट एंड सम सॉल्व एग्जाम्पल, अगर आपको वो समझ में नहीं आते हैं और आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको स्टिल कोई डाउट है, तो आप मुझे, मेरा हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, उसमें आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट है, तो मैं उस सेशन, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अपना एक सेशन बनाऊंगा। और जो बच्चे हमारे स्पार्क अकेडमी से जुड़े हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, टू टाइप ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस इन अ ट्रक। मतलब किसी ट्रक में दो अलग अलग टाइप के बॉक्स रखे गए हैं, ए और बी, उसे उसको रिप्रेजेंट किया गया है। हैविंग कैपेसिटी 10 टन्स मीन्स व्हाट, कि उस ट्रक की जो कैपेसिटी है वो 10 टन्स की है। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck, it weigh 10 tons. Means what? कि अगर उसमें A type के boxes 150 quantity में रखे गए हैं और B type के जो box हैं वो 100 की quantity में रखे गए हैं, तो उस truck का जो total ton weight है बेटा वो 10 tons है। तो जैसा कि आप जानते हैं एक टन में कितना केजी होगा, 1000 केजी। तो आप चाहो तो इस 10 टन्स को केजी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इससे तो आपको पहले कंडीशन से इक्वेशन बन जाएगा आपका कि जो टाइप ए का बॉक्स है उसे हम एक्स ले लेंगे और जो टाइप बी बॉक्स है उसे हम वाई वेरिएबल ले लेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस बी विल बी वाई, और उस तरीके से हमें पहला इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन ट्रक, इट कैन स्टिल एकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। सो दूसरे में आपको 250 ए टाइप का बॉक्स दिया है एंड 40 दिया है आपको टाइप बी का, एंड जैसा कि एंड फुल्ली लोडेड, और ट्रक आपका फुल्ली लोडेड है, और फुल लोडेड यानी कि उसकी जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, कितनी कैपेसिटी है ट्रक की, 10 tons, जैसा कि आपको यहां पर दे दिया है, हैविंग कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी इज 10 tons। तो चलिए आइए इसे वेरिएबल में अज्यूम कर लेते हैं। लेट लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्सेस बी एक्स एंड द वेट ऑफ टाइप बी बॉक्सेस बी वाई। इस तरीके से मैंने एक्स और वाई वेरिएबल एज्यूम कर लिया, और जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको बताया 1 ton is equal to 1000 kg, सो 10 tons हाउ मच बेटा, 10,000। तो अब आप चाहो तो इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। चलिए हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो पहले कंडीशन से कैसा इक्वेशन बनेगा, फर्स्ट कंडीशन से मेरा इक्वेशन बनेगा 150 टाइप ए, 150 जो बॉक्स है वो टाइप ए है, और ए को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, एक्स से, और 100 है टाइप बी यानी कि वाई, और दोनों बॉक्स मिलाकर टोटल वेट कितना हो रहा है बेटा, 10 tons यानी कि 10,000। अब आप देखो ये सारा का सारा इक्वेशन 10 का मल्टीपल है, तो आप चाहो तो पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दो। सो आप यहां लिख सकते हो डिवाइडिंग थ्रू आउट द इक्वेशन बाय 10, डिवाइडिंग थ्रू आउट इक्वेशन बाय 10, तो क्या मिलेगा बेटा,
ये हो जाएगा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, ये मेरा इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन पे आते हैं, सेकेंड कंडीशन से मुझे क्या मिलेगा, 260 बॉक्स ए मींस व्हाट एक्स, 260 ऑफ एक्स बॉक्स एंड 40 वाई, वाई वाले बॉक्स 40 एंड टोटल इज अगेन 10,000। सो ये भी इक्वेशन आप देखेंगे तो 10 का मल्टीपल है, तो यहां भी आप सेम कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 10, तो ये मुझे मिलेगा 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर टू। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, मैं यहां का साइड रब कर रहा हूं, और यहां पर आप देखेंगे कि मुझे दो इक्वेशन मिल गए हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को वी नीड टू मेक द कोफिशियंट एनी वन ऑफ द वेरिएबल, तो यहां पर मैं y वाले वेरिएबल को के कोफिशियंट को सेम करूंगा, इक्वल ले लूंगा। सो 10 का मल्टीपल 10 टू जा 20 होता है, और 5 फोर जा भी 20 होता है, तो ये वाला मुझे बड़ा आसान लग रहा है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय टू एंड इक्वेशन टू बाय 5। इक्वेशन वन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 15 टू जा 30x, 10 टू जा 20y एंड 100 का ये हो जाएगा बेटा 2000। अग्री। इक्वेशन टू को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 526 जा 56 जा 30, 3 कैरी, 5 टू जा 10 प्लस 1 130x प्लस 20y इज इक्वल टू 5000। 5 से मल्टीप्लाई करना बेटा, 51 जा 5000, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1 सॉरी 4। अब आप देखिए साइन दोनों के सेम हो गए, साइन दोनों के सेम हो गए बेटा, दोनों इक्वेशन के सेम साइन होने की वजह से अब क्या करेंगे, इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस। मैंने हमेशा कहा है सब्सट्रैक्शन के समय पूरे इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 130 माइनस 30 होगा तो माइनस 100 साइन ऑफ बिगर नंबर, ये दोनों टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस 3000, बिकॉज साइन ऑफ बिगर नंबर लगेगा ना बेटा, 5000 इज द बिगर नंबर, सो माइनस माइनस कैंसल्ड, 0000 कैंसल, व्हाट इज लेफ्ट 30, सो देयरफॉर माय एक्स इज इक्वल टू 30 kg, तो यहां पर मुझे x की वैल्यू मिल गई, x कितना है बेटा 30 kg। अब आप चाहो तो इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, मैंने वो इक्वेशन यहां से मिटा दिया है, मैं यहां से लिख लेता हूं 15x, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन, व्हाट वॉज माई फर्स्ट इक्वेशन, 15x यानी कि 30 प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, 15 थ्री जार 45 और ये जीरो कैरी हो जाएगा, कितना हो गया बेटा 450 प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, 450 यहां जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, सो 10y इज इक्वल टू 1000 माइनस 450, देयरफॉर 10y इज इक्वल टू 550। अब ये 10 यहां जाके डिवाइड कर देगा बेटा, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 55 kg, तो यहां मुझे x की वैल्यू मिल गई 30 kg और y की वैल्यू मिल गई 55 kg। तो इससे क्या पता चला आपको कि जो टाइप ए बॉक्स है, एक बॉक्स है, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स,
तो एक बॉक्स का जो वेट है टाइप ए का वो है 30 kg और टाइप बी जो है वो 55 kg, वो आपको एंड में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहां पर ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चंस 95% बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए आइए इसे देखते हैं कैसे करना है। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। तो यहां पर आपको दो क्वांटिटी समझ में आ गई होगी, दो वेरिएबल। मतलब विशाल नाम का एक लड़का है जो एक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो आउट ऑफ 1900 किलोमीटर मतलब टोटल डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है वो है 1900 किलोमीटर, जिसमें से कुछ दूरी उसने बस से कवर की है और कुछ डिस्टेंस उसने एरोप्लेन से कवर किया हुआ है। बस ट्रेवल विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर एंड एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर आपको बस की स्पीड दी हुई है, एरोप्लेन की स्पीड दी हुई है। इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। आपको टाइम भी दे दिया है कि 5 घंटे में वो पूरी जर्नी कंप्लीट करते हैं। वो विशाल कंप्लीट करता है। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस, मतलब बस से वो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब टोटल डिस्टेंस तो 1900 उसने कवर किया है, उसमें से कुछ उसने बस से किया है, कुछ एरोप्लेन से किया है। तो चलिए सबसे पहले मुझे नहीं पता उसने बस से कितना किया है या एरोप्लेन से कितना किया है, तो सबसे पहले वो एज्यूम कर लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपका बेस है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पर, और या तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले हमें यहां पे एज्यूम करना होगा लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस बी एक्स किलोमीटर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन बाय किलोमीटर। तो यहां पर आपको दो वेरिएबल आपने एज्यूम कर लिया है और आपको पता है कि जो दोनों का बस और एरोप्लेन दोनों मिलकर कितनी दूरी तय कर रहे हैं 1900 किलोमीटर। तो फर्स्ट कंडीशन से आपको मिल जाएगा, फर्स्ट कंडीशन से आपको मिल जाएगा कि बस जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है विशाल बस से और एरोप्लेन से, तो दोनों के डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो 1900 किलोमीटर आएगा। तो ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा बेटा? ये तो डिस्टेंस के ऊपर हमने पहला इक्वेशन बनाया। दूसरा इक्वेशन जो है वो कहता है इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, मतलब 5 घंटे में वो पूरी जर्नी कंप्लीट कर लेता है। तो उसको कितना टाइम, बस से कितना टाइम लग रहा है, एरोप्लेन से कितना टाइम लग रहा है, वो हमें फाइंड करना है। टाइम टेकन बाय बस। सो टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और बस का आपने डिस्टेंस कितना लिया है? एक्स अपॉन स्पीड। बस की स्पीड कितनी है? यहां देखो दिया है बस की 60 है, एरोप्लेन की 70 है। तो एक्स अपॉन 60। टाइम टेकन बाय एरोप्लेन वाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाई अपॉन 700। ठीक है, वाई अपॉन 700। और आप चाहो तो आप इसका और टोटल टाइम दोनों का कितना लग रहा है बेटा? टोटल टाइम दोनों को लगता है बस प्लस एरोप्लेन। तो बस का टाइम कितना है? x अपॉन 60। एरोप्लेन का टाइम कितना है? y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5।
और 5 आवर में वो दोनों अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये चूंकि ये फ्रैक्शन है, आप चाहो तो इन दोनों का एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम कैसे लेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये दोनों तो ऐड होंगे नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का अलग है। तो 700 यहां चला जाएगा, 700 एच प्लस 60 ऊपर चला जाएगा, 60 वाई अपॉन 6 7 42, यहां का 10 यहां का दोनों 0, टोटल 30 इज इक्वल टू 5। अब ये डिनोमिनेटर में है, इसको आप चाहो तो राइट हैंड साइड पे भेज दो, वहां जाके क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई 700x प्लस 60y इज इक्वल टू, ये 30 तो आएगा ही ना बेटा, 1 2 3। अब 5 2 10, 1 कैरी, 5 4 20 और ये 121, तो ये हो गया टोटल। अब अभी देखोगे तीनों टर्म आपके 10 के मल्टीपल हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट द इक्वेशन बाय 10, डिवाइड थ्रू आउट इक्वेशन बाय 10, तो आपको क्या मिलेगा 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 3 मिल गया। अब हमें क्या करना होगा, किसी भी वेरिएबल को सेम करना है, तो चूंकि यहां पर मुझे डिस्टेंस किसका पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस, और बस का मैंने एक्स लिया है, तो एक्स का फाइंड करने के लिए मैं वाई को एलिमिनेट कर देता हूं, तो मैं ये साइड रब कर देता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं ये यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं 4200, जिससे कि आपको याद हो 42 आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये याद रखना बेटा इक्वेशन। सो इक्वेशन 1 को हम लोग ने 6 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6, तो 6x प्लस 6y 1900 था ना बेटा टोटल, सो 1 1 4 100, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब देखेंगे 3 का वाई और 4 का वाई, ये दोनों के कोफिशियंट आपस में सेम हो गए, तो ये है 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000 इक्वेशन नंबर। तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का सेम साइन है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4, माइनस माइनस एंड माइनस, सो ये हो जाएगा 64x साइन ऑफ बिगर नंबर इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा कितना था 9600, वो मैं डायरेक्टली टाइम बचाने के लिए फटाक से कॉपी कर ले रहा हूं, साइन ऑफ बिगर नंबर बेटा यहां पर भी माइनस लगेगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 9600 अपॉन 64, आप इसे डिवाइड कीजिएगा 8 8 and 8 1 8 8 2 and 8 double 0, 4 आप इसे 8 से डायरेक्टली कर सकते, 8 1 8 carry 4, ये हो गया 40, 8 5 40 है 0 carry, सो देयरफॉर माई एक्स इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। सो विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 150 किलोमीटर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आज यहाँ पर हमारा लीनियर इक्वेशन का सेशन पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। फिर भी किसी बच्चे को इसमें डाउट होगा आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। जो बच्चे स्पार्क एकेडमी से जुड़े हैं वो मुझे वो ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो बच्चे मुझे इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आगे की जो प्रॉब्लम सेट है, जो सॉल्व एग्जाम्पल है, या कुछ ऐसे हॉट सम जो आपको बाहर से मिलते हैं, आप प्लीज़ मुझे मुझसे डिस्कस कीजिए, मैं आपके सारे क्यूरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।